प्रभारी मंत्री श्री बच्चन सिंह जी आ रही है, 36 बिरादरी के नेता हम सब गांववासी इनके गांव में पहुंचने पर तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपसे अपील करते हैं कि आने वाली किस तारीख को ज्यादा है ज्यादा कमल के फूल पर ही सब बटन दबाकर अपने मंत्री जी को ऊपर पहुंचाएं, यही आपसे हाथ जोड़कर है। वंदे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद। साथियों, चुनाव चल रहा है, 21 तारीख को वोट पड़ेंगे। आपको पता है ये हरियाणा में सरकार रबी है, ऊपर भी सरकार है और आगे भी। ये कोई भी समझदार आदमी हार में वोट नहीं डालना चाहता। अब आप ये देखो कि सरकार में डालना चाहिए कि हार में डालना चाहिए। अब इन्हें कंवर ने कितना बताया, किसी के खर्चे नहीं, पर्चे नहीं, और ऐसे ऐसे रोजगार बीजेपी पार्टी मनोहर लाल जी ने दिए। कल कितने, 1 घंटे के करीब यहाँ पर समय लगाया मनोहर लाल जी ने। भाई फिर भी अगर मेरे इस बैकवर्ड समाज के गांव में SC BC जो भाई, और भाई यहाँ से भी कोई पर्ची मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी जो संसार का एक पूरे बड़े संसार का एक बड़ा नेता है, उसके दिए हुए टिकट के खिलाफ अगर वोट डालता है तो उनको वे 16 रोजगार दिखने चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई बच्चन सिंह आर्य जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला के उप प्रधान रामजुआरी शर्मा जी, भाई नारायण दत्त शर्मा जी, सोमपाल लिटोली जी, मैं सारे गांव वासियों से विश्वास दिलाता हूं, इनके दम पे ही विश्वास दिलाता हूं कि अब आने वाली 21 तारीख को भी बूथ नंबर 113 से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीता कर भेजेंगे। जोरदार ताड़ियां बजा के स्वागत। ऐसा नहीं चलेगा किसी कीमत पर भी। से फिर बड़ा दिखाते हुए आपको मोदी ने टिकट दिया है, देखो मोदी जी का टिकट है, भाई रमेश कौशिक का, मनोहर लाल खट्टर जी कल कितनी देर बोलते रहे। तो साथियों, मैंने कहा था जसवीर जी के लिए कि जी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बुराई में किसी की नहीं करता, ना मैं निंदा करता, मगर जो काम करता उसका कहता हूँ। और कहना के है, थोड़े दिन में जीत लो तो हम अपनी पावर कुछ मुख्यमंत्री तो लेन देवेंगे। हम के दी जुगर टिकट दे दिया नहीं हुए, वो मंत्री विभाग के लिए। और हम जसमेर और सारे भाई जितने यहाँ पर प्यार से स्वागत कर रहे हैं, पावर को इज्जत से बांट के चलेंगे। नैन साहब ये मेले मंत्री बन के पावर को अपनी जगह अकेले रख लेते हैं, इसलिए मरते हैं ये। फिर आज तक भी मेरे कार्यकर्ता ये बात कहते हैं, जब भाई मंत्री था ना, जित मारी मर्जी थे DSP ला के, मारी मर्जी थे SDM, मारी मर्जी थे थानेदार VDO, और भाई जितनी भी MLA की चल रही इतनी तो हमारी वर्करों की चल रहा करती, कहते हैं ना पुराने आदमी। तो साथियों, पूरे मान सम्मान से सारे भाई मिलकर चलेंगे, कोई अपने मन में शंका न करे। सरपंच साहब हंगा ला के साथ दे दे, डूडा ठा दे रू मैं।
सम्मान के योग्य भाजपा के प्रत्याशी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी का, वह भाजपा के ज्यादा नाम ले तो समस्त पदाधिकारियों का मैं गांव बेरीखेड़ा में पहुंचने पर अपने गांव वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, श्री मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, श्री बच्चन सिंह आर्य जिंदाबाद। मैं छत्तीस बरादरी का सबका साझल आदमी हूँ। मैं किसी वोट के लालच में या किसी निजी स्वार्थ में आपका भाईचारा खराब करने का मेरा कभी जिंदगी में ऐसा भाव नहीं रहा। मैं तो नफरत करता हूँ लोगों से जो अपने वोट के लालच में आपके पड़ोस में और आपस में भाईचारा है उसमें नफरत पैदा करते हैं। मैं इनको अच्छे इंसान नहीं मानता। जिसकी मुकद्दर में जो होना वो परमात्मा ने करना वो होगा। इसलिए छत्तीस बरादरी सारे भाई आपस में मिलकर रहे और एक जगह मोदी जी की आवाज पर एक जगह पर सीधे एक जगह वोट डाल दें। हम सफेदों वाले छत्तीस बरादरी मिलकर के जैसे रमेश कौशिक को 45,000 से जिता था, 55,000 का आइडिया है कि 55,000 से जिता। देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी आपकी आवाज, और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।